हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता विश्नोई और आज हम वर्चुअल लैब पे कैरी फॉस्टर ब्रिज करेंगे। तो पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि क्या होता है कैरी फॉस्टर ब्रिज के अंदर, क्या हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसके बाद एपरेटस क्या क्या रिक्वायरमेंट है एपरेटस की, फिर प्रोसीजर किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को हम वर्चुअल लैब में परफॉर्म करते हैं और फिर वर्चुअली प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव है आज के एक्सपेरिमेंट का टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ गिवन वायर यूजिंग कैरी फॉस्टर ब्रिज। एपरेटस यूज है इसमें कैरी फॉस्टर ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्स, लग्रांजी सेल, कैल्वोमीटर, प्लग की कॉपर वायर, स्क्रू गेज, कनेक्शन वायर। तो यहाँ पे अभी स्क्रू गेज का तो यूज नहीं होगा क्योंकि ना तो हमें वायर हमें हाथ में मिल रहा है कि हम उसकी रेडियस फाइंड कर सके। तो क्या है, कॉपर स्ट्रिप होती है, कॉपर स्ट्रिप से हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस करके फिर हम उस कॉपर स्ट्रिप से रो कैलकुलेट करते हैं। फिर आपको एक अननोन वायर दिया जाता है, उस वायर का आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले उस वायर का रेजिस्टेंस वाई कैलकुलेट करते हैं। एक्स क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स में आप रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी वैल्यू है रो। हम जो है कॉपर स्ट्रिप से कैलकुलेट करते हैं। एल टू एल वन जो है बैलेंसिंग लेंथ है, जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स को एक बार लेफ्ट साइड यूज करते हैं और एक बार राइट साइड यूज करते हैं। तो एक फॉर्मूला, एक टेबल में तो हम वाई कैलकुलेट करते हैं, एक टेबल से हम रो कैलकुलेट करते हैं। और जब वाई आ जाता है तो उस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कैलकुलेट करते हैं। के का फॉर्मूला है वाई पाई आर स्क्वेयर अपॉन एल। तो वाई हम ऑब्जर्वेशन टेबल से कैलकुलेट करके आते हैं। आर के लिए भी ऑब्जर्वेशन टेबल होती है स्क्रू गेज वाली, बट वो यहाँ नहीं बनानी है क्योंकि यहाँ पे हम स्क्रू गेज से रेडियस नहीं निकाल रहे हैं। तो जो मैं बताऊंगी वही वैल्यू रख लीजिएगा तभी आंसर आएगा। और एल बी, ठीक है, वेयर आर इज अ रेडियस एंड एल इज अ लेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर। तो जो वायर का एक्चुअल डायग्राम है जो लैब में है, तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। लेग्रांजी सेल है, रियोस्टेट है, वन वे की है, जॉकी है, गैल्वेमीटर है, दोनों साइड डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेमीटर करंट का, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो इस एपरेटस को देख के मैं समझा देती हूँ कि कैसे करते हैं लैब में, और वर्चुअल लैब में थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल लैब में बैलेंस नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, ये कॉपर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स यूज नहीं करते हैं। तो शुरू में इस साइड भी और इस एंड पे भी हम कॉपर स्ट्रिप लगा लेते हैं, लेफ्ट साइड में भी जो ये गैप है और राइट साइड में भी ये जो गैप है, इन दोनों जगह हम कॉपर स्ट्रिप यूज कर लेते हैं। फिर इस जॉकी को यहाँ पे, ये आपको एक स्केल दिखाई दे रहा होगा, इस स्केल पे 50 पे प्लेस करते हैं बीच में, मिड में, ठीक है। और इस रियो स्टेट हम को, बैलेंस करते हैं उसे बस। हाँ, बैलेंस करते हैं। तो 50 पे इसलिए रखते हैं, इधर भी 50 हो जाता है, इधर भी 50 हो जाता है, 50 पे रखा, बट यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। तो विद द हेल्प ऑफ रियो स्टेट क्या करेंगे, इस डिफ्लेक्शन को जीरो करेंगे, इसको मूव करेंगे रियो स्टेट को, ठीक है। तो इसको मूव करने के बाद जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा तो अब ये रियो स्टेट का काम खत्म हो गया, अब हम रियो स्टेट को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने 50 पे रखा और रियो स्टेट को मूव किया, जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो आया तो हमने अब रियो स्टेट को मूव करना बंद कर दिया, हमारा एपरेटस बैलेंस हो गया। अब एक साइड वाला, यहाँ वाला कॉपर स्ट्रिप हम अलग उठा के रख देंगे, सॉरी, ठीक है, यहां से उठा के उसको अलग रख देंगे, उसकी जगह यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स में यहाँ पे आप कीज देख रहे हो, तो जो की आप बाहर निकालोगे उतना रेजिस्टेंस इस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स है रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हम अभी सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसमें ये एक्स डिनोट कर रहा है, और ये हमारा जो इस साइड होगा कॉपर स्ट्रिप वो वाई है। तो क्या करेंगे, एक्स में से हम यहाँ पे से रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे, तो कुछ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो गया, तो फिर यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, फिर इस जॉकी की हेल्प से जब ये डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा वहां तक मूव करेंगे। एक चीज और है, यहाँ पे जो स्केल है इसमें ऊपर भी रीडिंग है और इधर नीचे भी रीडिंग है, ऊपर रीडिंग इस साइड से है, नीचे वाला रीडिंग इस साइड से है। तो हम क्या करते हैं,
हमेशा जो है एक साइड का रीडिंग नोट करते हैं, मतलब अगर हमने पहले इस साइड से रीडिंग नोट किया तो फिर नेक्स्ट टर्म भी जो हम रीडिंग नोट करेंगे इंटरचेंज करने के बाद, फिर तब भी हम ऊपर वाला स्केल रीड करेंगे। अगर हमने पहले वाले केस में नीचे वाला स्केल रीड किया तो फिर आगे भी हम नीचे वाला स्केल ही रीड करेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि पहले ये वाला ऊपर वाला स्केल रीड किया फिर नीचे वाला स्केल रीड किया, ऐसे नहीं। पूरे एक्सपेरिमेंट में कोई सा एक साइड से स्केल रीड करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस हमने निकाला, सपोज 0.1 रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला, डिफ्लेक्शन आया, इस जॉकी को मूव करेंगे, जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो आया वो रीडिंग नोट कर लेंगे, फिर हमने 0.1 वापस इंसर्ट किया, 0.2 निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस, फिर बैलेंसिंग लेंथ देखेंगे। 0.3 के लिए 0.1 0.2 दोनों निकाल लेंगे, दोनों इंट्रोड्यूस किए तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सम हो जाएगा। तो ऐसे करके टोटल 5 रीडिंग ले लेंगे जब रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो L1 आ गया हमारा। फिर हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर इस वाले गैप में ले आएंगे और इस गैप में जो कॉपर स्ट्रिप था उसको लेफ्ट गैप में ले आएंगे, ठीक है? इंटरचेंज कर लेंगे एक्स का और वाई का, इनमें आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। फिर यही प्रोसीजर सेम रिपीट करेंगे, 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके 0.5 तक का बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो L2 आ जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए, जहां पे हम रो कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए क्या करना है, आप जो को एक वायर दिया जाएगा कि अब इस वायर का आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो जो प्रोसेस हमने कॉपर स्ट्रिप के लिए किया सेम यही प्रोसेस हमें उस वायर के लिए करना है, बस बैलेंस सिर्फ एक ही बार करना है दोनों कॉपर स्ट्रिप के साथ, फिर उसके बाद इस रियोस्टेट का कोई काम नहीं है। जब हम बैलेंस कर चुके होते हैं, एक कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं, फिर वायर मिल जाता है, उस वायर को राइट गैप में लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को लेफ्ट गैप में लगाते हैं, सेम 0.1 0.2 0.3 रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करके बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेते हैं, फिर इनको इंटरचेंज करते हैं वायर और रेजिस्टेंस बॉक्स को और L2 निकाल लेते हैं। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस एक्स और इस वाई को आपस में इंटरचेंज करके रीडिंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बना लीजिए, जिस साइड आपने थ्योरी फॉर्मूला लिखा है उसके अपोजिट साइड में जो ब्लैंक पेज होगा अनरूल्ड पेपर, उस पे ये डायग्राम बनाइएगा। हो गया मैम। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये टेबल वन है रो कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें 5 रीडिंग लेनी है, तो 5 तक लिखिएगा, ठीक है? रेजिस्टेंस बॉक्स, कितना रेजिस्टेंस बॉक्स में हम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर L1 और L2, ये डैश नहीं आएगा, L1 सेंटीमीटर में L2, फिर इनका डिफरेंस है, रोग है R अपॉन, ये अपॉन में है, R अपॉन L2 माइनस L1, ठीक है? तो यहाँ अपॉन का साइन बनाइएगा। ओके, मैं बनाई देती हूँ। ये वाला ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए, ये तब हम यूज, जब कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं वाई की जगह, तब ये वाली ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है। तब ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल है, टेबल 2, जब हमें अननोन वायर दिया जाएगा उसके लिए, ठीक है? तो वहां से हम कैपिटल वाई कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें भी टोटल 5 रीडिंग लेनी है, सेम वही है, बस L1 और L2 कर दिया है और यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया है। वहां पे रो कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे y कैलकुलेट करेंगे, y इक्वल टू x जो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको आप x भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है x, ठीक है, माइनस रो जो ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन टेबल से रो कैलकुलेट करके आए, इंटू L2 माइनस L1, या डिफरेंस भी लिख सकते हैं ना, तो फिर जो भी हमारा वाई आएगा उसका मीन। चलिए, तो नेक्स्ट ये तो टेबल अभी करना नहीं है, ठीक है? जब हम वर्चुअल लैब में जाएंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, जब सिमुलेटर में जाएंगे सिमुलेशन करेंगे तो वहां पे आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है? तो यहाँ पर अनेबल पावर है, जब आप अनेबल पावर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन आएगी,
जहां पे आपको चारों सर्किट्स दिखाई चार सर्किट्स दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से कौन सा सर्किट आपको ऐसा लग रहा है जो कैरी फॉस्टर ब्रिज का है? मैम थ्री नहीं, इनिशियली तो हम एक्स को इधर रखते हैं ना, तो थ्री तो सॉरी नहीं हो सकता। चलिए तो थ्री वाला कैंसिल कर दिया, अब इन तीनों में देख के बताइए। इमेज सेकंड सेकंड, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इमेज सेकंड पे क्लिक करेंगे, और इमेज सेकंड पे क्लिक करने के बाद ये जो पावर डिसेबल लिखा था यहाँ अनेबल पावर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इस अनेबल पावर, यहाँ पे जब अनेबल पावर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है चूज लोड रेजिस्टेंस, तो इस पे क्लिक करेंगे और इसको चूज करेंगे। तो इसको चूज करने के बाद यहाँ पे 0.1 लिखा आएगा, फिर तो यहाँ पे जितने भी ये, क्योंकि वहां पे क्या है फिर विंडो ऊपर नीचे करनी पड़ती है, तो एक बार पहले यहाँ देख लेते हैं फिर वहां पे भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपके टर्म्स हैं इन पे क्लिक करते चलेंगे, तो प्लेस कॉपर बेंच करेंगे तो आपको खुद ये वाला हल्का सा ब्राइट होके दिखाई दे जाएगा। तो इन पे क्लिक करते चले जाएंगे तो ये पूरा सर्किट आपका जुड़ा हुआ दिखेगा। फिर यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट, क्योंकि राइट लिखा है, इन पे क्लिक करेंगे इसको यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो दिखाने के लिए, ठीक है। तो जहां पे इसका डिफ्लेक्शन जीरो आएगा वो रीडिंग हम यहाँ से नोट कर लेंगे। फिर सेम यहाँ पे आप क्या करोगे, 0.2 करोगे, फिर शिफ्ट लेफ्ट और राइट करोगे, जहां पे डिफ्लेक्शन आएगा उस रीडिंग को नोट कर लोगे। ऐसे करके यहाँ से रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे और बैलेंसिंग लेंथ नोट करते जाओगे। फिर यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज एक्स विथ वाई, इस पे क्लिक करोगे तो अब क्या हुआ, वाई इधर आ गया, एक्स इधर चला जाएगा, भले तो ये मान लिया जाएगा कि ये इंटरचेंज हो गए। फिर सेम यही प्रोसेस 0.1, 0.2, 0.3 के लिए आपको गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो देखना है शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट करके, ठीक है। फर्स्ट टेबल के लिए ऐसे करेंगे तो यहाँ से ये रो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हमें वाई कैलकुलेट करना है, तो नीचे सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर आपको लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर ऑब्जर्वेशन टू, तो उस पर क्लिक करेंगे, फिर हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए सेम यही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो करिए, मैं अब जो है यहाँ से वर्चुअल लैब में चलती हूँ, ये आपको यस मैम, ठीक है। यहाँ पे एम, थ्योरी, प्री टेस्ट, प्रोसीजर, इन सबको कर सकते हैं। अभी हम सीधा सिमुलेशन पे आते हैं। यहाँ पे आपको ये सर्किट दिखाई देगा, देखिए जो विंडो मैं आपको दिखा रही थी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फिर नीचे इस तरीके से दिख नहीं पाता, तो अनेबल पावर करेंगे, आपको पता है इमेज टू है, इमेज टू पे करेंगे, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। अब यहाँ ये आ गया ग्रीन से, फिर यहाँ पे 0.1 चूज करेंगे, चूज करेंगे तो यहाँ 0.1 आ गया। प्लेस कॉपर बेंच, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टू, अगर आप इधर नहीं भी लाएंगे तो भी ये बाद में सर्किट जोड़ के दिखा देगा। थ्री, गैल्वेनोमीटर इधर, बैटरी इधर, सेलेक्ट की इधर, फिर कनेक्ट करेंगे इसको सर्किट से, फिर चूज क्लोज करेंगे की, जैसे क्लोज पे किया अभी हमारा कंप्लीट हो गया सर्किट। अब हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.1 हमने ऑलरेडी कर रखा है, शिफ्ट लेफ्ट से रिफ्लेक्शन देखा, हमारा डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ पे सीधी हो गई 47। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में है 0.1, एक्स से इधर और डिफ्लेक्शन है 47, तो यहाँ पे आप रीडिंग फिल कर देंगे 0.1 47, ठीक है, ऐसे ही 0.2 के लिए निकालेंगे। तो अब ये वाली रीडिंग्स मुझे निकाल के बताइए कि 0.2 के लिए कितना आएगा, 0.3 के लिए कितना आएगा। मैम 0.2 के लिए 46 आया, ठीक है, तो 0.3 ऐसे करके मुझे 0.5 तक की रीडिंग बताइए। चलिए 0.2, जब तक हमारी ये वाली टेबल फिल नहीं होगी हम इसकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल पे नहीं जा सकते। देखिए मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये लिखा जाएगा कि आप पहले सारी फील्ड फिल करिए, उसके बाद ही ये नेक्स्ट टेबल पे आएगा। 6, 0.3, 0.4,
मैम चेंज करने के लिए पॉइंट थ्री पे फिर पूरा रिसेट करना होगा क्या? नहीं नहीं बस आप यहाँ पे चेंज करते रहिए, पॉइंट वन की जगह पॉइंट टू चूज पर। लेकिन हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आपने पॉइंट टू किया तो ये तो पहली वाली रीडिंग पे सेट है, तो इसको एक बार राइट करके फिर लेफ्ट करिएगा, ठीक है? नहीं तो वो उसी वैल्यू पे आपको देता रहेगा, तो तभी 46 आया अभी, है ना? अब हम इसको 43 करेंगे, मतलब पॉइंट थ्री करेंगे, फिर एक बार लेफ्ट करेंगे, फिर राइट में चलेंगे 0.3 पे 45। तो ऐसे करके आप ये सारी रीडिंग ले लीजिए इधर की। जब यहाँ के लेफ्ट का रीडिंग पूरा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज एक्स विद वाई लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे और इन राइट गैप में करना स्टार्ट करेंगे। राइट गैप का 0.4 का 44, ठीक है। 0.5 43। वैसे पता भी लग रहा है ये 1-1 डिक्रीज होते चल रहा है इस साइड। चलिए जैसे अब हमने ये लेफ्ट कैप के लिए किया, ऐसे ही अब हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है? चलिए एक्सचेंज करने पे ये भी इंटरचेंज हो रहे हैं, वाई इधर आ गया एक्स इधर आ गया। अब सेम यही प्रोसेस है, पॉइंट वन के लिए चूज करें और फिर बैलेंसिंग लेंथ बताएं। रीडिंग हो गई है आपकी, तो अब इनको एक्सचेंज करेंगे, पहले एक्स इधर था ना, इस पे एक्सचेंज वाई करेंगे तो एक्सचेंज हो गया। अब सेम यही प्रोसेस 0.1, 0.2, 0.3 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है राइट गैप के लिए L2। तो बताइए कितना आ रहा है फर्स्ट रीडिंग? 54, 55, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया है, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे उसने रो खुद कैलकुलेट करके दिया 0.035। हाँ, आप डायरेक्ट इसको जो है अपना ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मस्ट क्लिक हेयर करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे उसके बाद अब क्या कमी है इसमें, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, ये तो ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। यहाँ पे रेडियस दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, और आप खुद सोच सकते हो कि 1 सेंटीमीटर का अगर मैं वायर लूं तो वो वायर नहीं है, रॉड है, ठीक है? तो जो हमारी रेडियस है वो एक्चुअल में एमएम में है, बट यहाँ पे क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर रखी है, तो जब आप यहाँ पे वाई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके रखते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है? जैसे हमारा ये आ रहा था, मैंने कैलकुलेट किया तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है? या मतलब इसमें 2-3 वेरिएशन है अगर, या फिर ये आ रहा है तो ये आंसर आएगा, बट आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। जो हमें वाई तो ये रख लेंगे जो यहाँ पे आ रहा है, R और L की वैल्यू मैं बताऊंगी, फिर आप मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताएंगे। मैम ये सेकंड वाला प्रोसीजर फिर से बता देना। फिर से सुनिए, क्या करिए यहाँ पे मस्ट क्लिक हेयर करिए, इधर X और Y कर रखा है, सेम वही है, पॉइंट वन के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, यहाँ से इसको जब शिफ्ट करेंगे जो 49, सेम प्रोसेस है, बस उसको क्लिक करके रखना है इसको, ठीक है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, बताइए क्या क्या आ रहा है, ठीक है? फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जिसका नहीं हुआ था सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल वो कंप्लीट करिए लेफ्ट और राइट से, फिर बैलेंसिंग लेंथ देखेंगे। तो ये 49 आ रही है, पहले ये 48 था, अभी 49 आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे हमने 0.1 रखा, ऐसे ही हमने ये लेफ्ट के लिए ले लिया एक्सचेंज, और फिर इसको मूव कर लेते हैं, ये 50 आ रहा है। ठीक है, तो ये दो एक रीडिंग मैंने ले ली है, अब आगे की रीडिंग मुझे कैलकुलेट करके बताइए।
यहाँ तो हमें पता ही है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 हमें इसको रखना है। L1 और L2 कैलकुलेट करके बता दीजिए। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, 5 रीडिंग तक हमें लेना था। ये था 47, 46, 45, 44, 43, इस साइड है 51, 52, 53, 54, 55 और L2 है आपका यहाँ पे, ये है 4, 6, 8, 10, 12 और रो आ रहा है 0.025, 0.033, 0.037, 0.040 और ये है लास्ट 0.042। इनका जब मेन कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है हमारा 0.035 ओम पर सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल हमने लास्ट टाइम कर ही ली थी और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए मैंने आपको बोला था कि करना है, तो ये अमृतांशु ने करके भेजी है तो इसको डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, ये तो हमारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ही आएगा। L1 हमारा यहाँ पे 49 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 49, तो देखोगे सेम उसी तरीके का है, बस एक वैल्यू चेंज हो गई है ना, 49, 48, 47, 46, 45 और इधर आपकी रीडिंग यहाँ पर भी वन डिजिट चेंज हुआ है तो 50 से स्टार्ट हुआ है, 50, 51, 52, 53, 54। जो यहाँ पे डिफरेंस है ये चेंज हो गया है, 1, 3, 5, 7, 9, वहां पे इवन आ रहा था, यहाँ पे ऑड वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये आ रहा है 0.065, 0.094, 0.122, 0.152, 0.181 और इनका मीन आ रहा है 0.613 ओम। तो अब इसमें जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करिएगा, ठीक है, तो के जो है हम खुद कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर ट्वेंटी सेंटीमीटर और रेडियस, फिलहाल इसको 20 लिखिए, एक बार इस पे ट्राई करिए, 20 और रेडियस लिखिए 1 mm। तो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए के कितना आ रहा है। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं 96.2 into 10 to power minus 4, है ना। तो फिलहाल यही ले लीजिए। तो आज वर्चुअल लैब में कैरीफोस्टर ब्रिज हमने करके देखा, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आया आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।